फिर से आप सभी को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ और अपनी ओर से कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ा रही हूँ। जब भी कोई कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए खड़े होते हैं, चाहे कल्पना द्विवेदी हो, हमारी दीदी रिंकी तिवारी जी हो, क्या बात करते हैं, या अन्य कोई कलाकार हो, सबसे पहले स्वरों की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती का आवाहन करते हैं। जय हो। कहते माँ, माँ आपके दरबार में तमाम भक्त आए हुए हैं, तमाम भक्तों की तमाम इच्छाएं हैं। कोई धन दौलत मांग रहा है, जय हो। कोई शान शौकत मांग रहा है, जय हो। कोई औलाद मांग रहा है, जय हो। कोई कह रहा है माता रानी बस आपके चरणों में हाजिरी लग जाए तो हम सब लोग धन्य हो जाए। दिल को सुरूर मिलता है, क्योंकि माता के दरबार में आने जाने वालों को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। मतलब कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, तो हम लोग भी आपके दरबार में आए हैं माता रानी। जय हो। क्योंकि आपको ढूंढने के लिए कोई मंदिर की आवश्यकता नहीं है। ना लोग कहते हैं माँ को मनाना है तो मंदिर में जाना पड़ेगा। मैं कहती नहीं, नहीं। माँ माँ मंदिर में ही नहीं है। क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं। अरे माँ माँ, अरे भैया आप लोग भी देखिए कोई। अरे माँ माँ, जब बात आई कि मंदिर में नहीं, माँ कहाँ है? क्योंकि जर्रे जर्रे में तुझे देखा पर तेरा पता नहीं है। जर्रे 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 में तुझे देखा पर तेरा पता नहीं है, और तेरा पिता मिला तो अब खुद का पता नहीं है। अरे माँ माँ, आप कहाँ कहाँ नहीं है? क्योंकि तुम ही मथुरा काशी, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है।
होती है, जहाँ बिन मांगे पूरी मन्नत होती है। अरे मेरी माँ है जिसके कदमों में भी जन्नत होती है। ये कुछ आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं आदरणीय श्री राम प्रताप सिंह जी प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज दुधवन से, आपके कर कमलों से 51 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं, कोटि कोटि नमन कर रही हूँ। अच्छा 151 है, धन्यवाद है। क्षमा चाहती हूँ, मैंने हमारे भैया जी की तरफ से 151 पद मुद्राएं हैं। माता रानी आप पर यूं ही भंडार भरा रखे। 151 है, 551 होंगे, 1151 होंगे। हाँ माता रानी सदैव भंडार भरा रखे। हृदय से प्रणाम कर रही हूँ भैया को। और ये कुछ और आशीर्वाद मानी श्री प्रकाश पंडित जी, प्रकाश जी पंडित का पुरवा, आपके कर कमलों से 101 पद मुद्राएं हैं। प्रकाश भैया ढेर सारा धन्यवाद है, सुनिएगा। अरे आदरणीय श्री अवधेश सिंह जी सेरापुर से, आपके कर कमलों से 101 पद मुद्रा है। अवधेश भैया ढेर सारा धन्यवाद है, सुनिएगा। सुने समय को देखते हुए बंधन गीत को ही सूक्ष्म रूप दिए देती हूँ। अरे माँ हम बच्चे सिर्फ आपके दरबार में एक भाव लेकर के आए हैं कि माँ केवल मेरी नहीं, जितने जितने आपके दरबार में आए हैं सबकी बिगड़ी बनाइए, सबकी झोलियों को भरिए। माँ क्यों क्यों तुम्हें भाग्य तो का भैया, तुम्हें भाग्य तो का भैया, संसार तुम्हें माँ भारत की, तुम्हें माँ भारत की रण बांकुरी हो माँ सर्वश्री। अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश भिंड से पधारी हुई बिटिया कल्पना जी के माध्यम से। आइए सर्वप्रथम ग्राम शहरापुर की पावन पवित्र भूमि की रज को अपने मस्तक पर चंदन के समान अंकित करते हुए दूर दराज से आए हुए तमाम कीर्तन प्रेमी, कीर्तन कलाकार
सभी का हृदय से यथोचित अभिनंदन करते हुए वंदन करते हुए प्रांगण में पधारी हुई देवी स्वरूपा माताएं बहने उनको नमन करते हुए, हालांकि सातवां वर्ष है, अब की बार माताओं बहनों की कमी दिख रही है, इस बात का मुझे दुख है। ऐसा क्या कारण हुआ जो कि प्रांगण पूरा माताओं से भरा होता था बिल्कुल और पुरुष वर्ग दूर होता था, लेकिन आज कमी है। मैं जहां तक भी इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आवाज पहुंच रही है, यदि हमारी माताएं बहनें सुन रही हैं और पुरुष वर्ग यदि सुन रहा हो तो आप लोग जरूर प्रेरित करें, क्योंकि ये कोई नौटंकी का कार्यक्रम नहीं है, ना ही ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम है, ना रामलीला का कार्यक्रम है, एक साहित्यिक मंच है, कीर्तन का कार्यक्रम है। जैसे कि 6 वर्षों में बराबर माताओं बहनों ने सहयोग किया इस जगराते में जवाबी के रूप में, तो अगले वर्ष से भी ये कमी मुझे महसूस ना हो पाए, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी भैया दद्दा लोगों से और देवी स्वरूपा माताओं बहनों से। मैं सभी माताओं बहनों को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ नव दुर्गा पूजा कमेटी के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी गण हैं, सभी का हृदय से यथोचित अभिवादन है, नमन वंदन है। आदरणीय महेंद्र सिंह भैया जी और हमारे सज्जन भैया आचार्य जी, हमारे नाम बहुत सारे हैं, शिव कुमार भैया, तमाम सारे नाम हैं, सामूहिक सभी को हृदय से नमन है, हृदय से नमन करता हूँ। आदरणीय सम्मानी दादा हमारे झबरा से पधारे हुए सूरज पाल जी, दादा कहाँ गए, चले गए क्या? आ रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ। यदि आवाज सुन रहे हो हमारे दादा श्री सूरज पाल सिंह जी, तो आपने ये हमें मंच दिया था 7 वर्ष पहले, ये धरोहर आपने दी थी, उस धरोहर को हम अभी तक संभाले हुए हैं और आपका आशीर्वाद बना रहे, ऐसे आगे तक आगे भी संभाले रहे। हृदय से आपको नमन है, वंदन है। हमारे अजीज, हमारे भतीजे साहब अपने साथियों के साथ में महाराजगंज रायबरेली से पधारे हुए हैं, आपको हृदय से नमन है, स्वागत है आपका। हम दोनों ही कलाकारों के बीच में तीसरे कलाकार की भूमिका निभा रहे सिंह साउंड सर्विस, हमारे भतीजे साहब आज उपस्थित हैं यहाँ पर, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। शुभकामनाएं हैं जो पूरे आर वर्ल्ड में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को हमेशा ये कार्यक्रम लाइव दिखाएंगे। हमारे संजय सिंह राठौर जी कशिश स्टूडियो के माध्यम से केएस म्यूजिक एचडी, आपको भी हृदय से नमन है, आपने एक फोन के माध्यम से फिरोजाबाद से चलकर यहां तक आ गए, मैं आपको हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा हूं आज इस जवाबी प्रतियोगिता में। हाँ, एक विशेष बात और, लोग कल्पना बिटिया, लोग श्रद्धांजलि दादा हरिकृष्ण की करने की सोचते हैं, करते भी हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम तो पहले से शुरू हुआ, लेकिन जिस वर्ष दादा नहीं रहे उस वर्ष यहाँ पर उनकी जवाबी होनी थी, और जब नहीं रहे तो यहाँ पर दूसरी पार्टियां लगाई गई और तभी से ये दादा की ही याद में कार्यक्रम होने लगा। लोग श्रद्धांजलि मनाते हैं, लेकिन यहाँ के समिति वाले और ये जनमानस सभी लोगों ने तब से संकल्प कर लिया कि नहीं, दुर्गा पूजा का कार्यक्रम होता है लेकिन ये दादा हरिकृष्ण की याद में ही कार्यक्रम होगा, उनकी प्रतिमा भी रखी हुई है, उन्हीं की याद में हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है। मैं दादा श्री स्वर्गीय हरिकृष्ण शर्मा जी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो अवश्य हर कीर्तन में पधारते हैं। जय हो, जय हो। इस जवाबी प्रतियोगिता में प्रतियोगिता की भूमिका निभाने के लिए मंचासीन प्रिया कल्पना दुबे जी, आपका हृदय से स्वागत है, आपके कुशल सत्संग साथियों का हृदय से यथोचित अभिवादन है। कार्यक्रम शुभारंभ हो रहा है, संपूर्ण रात में जाने अनजाने हम बच्चों से कोई त्रुटि होती है, गलती होती है, उसके लिए आप क्षमा करेंगे, कोई अच्छाई मिलती है आप सभी का आशीर्वाद होगा। आइए कार्यक्रम को शुभारंभ है, कानपुर की सबसे छोटी पार्टी रिंगी तिवारी एंड पार्टी नवस्ता कानपुर की ओर से। जय हो। Yeah!
बन गई है। तो इसलिए चंद पंक्तियों में आपके चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं और भक्त कहते हैं माँ माँ कि भक्तों की सदा बिगड़ी माँ जरूर दोगी तुम्हें दर्द दिया है मां तुम्हें दवा दोगी क्योंकि भैया अरे आए हो मां के दर पर तो कुछ मांग लो अरे ये वामन मुरादों से भर जाएगा कल ये सुहाना मंदिर रहे ना रहे हाथ फैलाने तो किसकी तर जाएगा। बहुत धन्यवाद है आदरणीय समय हमारे बड़े भैया श्री राम लखन त्रिवेदी भैया आपकी ओर से ये 501 रुपए का आशीर्वाद है। भैया को कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। आइए भक्त महारानी से प्रार्थना करता है, विनती करता है, जैसे कि कल्पना जी ने की है, बस मैं भी उसी प्रकार उस मैया को मनाती हूँ, बुलाती हूँ, मनाती हूँ और कहती हूँ कि माँ ये इतना विशाल मंच हम बच्चों को मिला है, सहयोगी के रूप में कीर्तन जगत में अपना अलग स्थान बनाने वाली हमारी छोटी बहन कल्पना दुबे जी है, इसलिए मैया आपका आगमन इस मंच पर और इस जन समुदाय में आना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए चंद पंक्तियों में माँ की प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। भक्त कहता है माँ माँ इस मंच पर अरे सरल संगीत हो जाए बड़े भैया श्री राम लखन त्रिवेदी भैया मलकी गांव आपकी ओर से एक बार फिर से ये 501 रुपए का आशीर्वाद है। भैया कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। भैया बेटा नारायण आज संभाल के बजाना बगैर तैयार हो रहा है, अगले साल यही बजाएगा। भक्त कहता है माँ सरल संगीत हो जाए कल्पना दुबे जी के बीच में अरे भक्त की लाज ना जाए दया मेरी ओर तो माँ अरे सब झंझकार कर जाना स्वरों से कंठ भर जाना बुलाती हूँ तुम्हें मैया बुलाती हूँ तुम्हें मैया दौड़ कर माँ
जीवन संभलते ना देखा। भक्त कहता है माँ क्या बात हो रहा है, चंद पंक्तियों में प्रार्थना करनी है क्योंकि वंदना कभी बंद नहीं होती। वंदना दो पंक्ति कर ले भैया, दो पंक्ति में कर ले, दो अक्षर में कर ले, दो पेज में कर ले, दस पुराणों में कर ले, ये बात। लेकिन महारानी की वंदना कभी बंद नहीं कर सकते। इसलिए आइए चंद पंक्तियों में और पंक्ति में प्रार्थना करते हैं और माँ से कहते हैं माँ मधुर वाणी बैठे हुए हैं जिन्होंने इस मंच को हमें सौंपा था। आदरणीय दादाजी ये सब आपका आशीर्वाद है कि मंच कहाँ था, आज कहाँ पर ये मंच है। शायद अगर आप हमें ना मिलते तो ये मंच और ये कमेटी भी हमें नहीं मिलती। इसलिए मैं चाहूंगी हमारे सूरज पाल दादाजी के लिए एक बार जोरदार आप लोग तालियां लगा दें। जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद है। बार बार मैं धन्यवाद दूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए चंद पंक्तियों में प्रार्थना कर दी है मैया से और कहना है माँ चंद पंक्तियों में। और उससे पहले श्री अमरपाल सिंह भैया प्रवक्ता बैसवारा लालगंज आपकी ओर से 100 रुपए और श्री अवनीश प्रताप सिंह भैया आपकी ओर से ये आशीर्वाद स्वरूप 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। महारानी से कहना है माँ मधुर वाणी रहे मेरी भैया, यही मैं आस करती हूँ, यही मैं आस करती हूँ, यही मैं आस करती हूँ। और भैया रखोगी लाज आज मेरी, रखोगी लाज आज मेरी, यही विश्वास करती हूँ, आना है सस सस धार लाना है, कहे परवाना ए मैया, कहे परवाना ए मैया, आज मेरी बचाना है।